एंड गाइज अभी पता चला कि वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे उस साइड वो है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश का फ्लैग भी है। तो अभी अपना नाव जो है इधर से टर्न करके जाएगा आगे साइड, वहाँ से टर्न लेके हम लोग उस साइड आएंगे, उस साइड से वहाँ जाके फोटो क्लिक करेंगे एंड बने ब्लॉग में एंड लेते रहो व्यू का मज़ा। तो लेट्स गो। हे गाइस, आज हम लोग का डे 3 एंड आज हम चेरा पूंजी में, जो कि अपना होम स्टे है इधर बगल में। तो फिलहाल अभी इधर दादी लोग का भी है अटैच हम ही लोग से, इनका यहाँ गेट है लेकिन हाँ, इसमें अभी फिलहाल ये लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, हम लोग सामान निकल चुके हैं। गाड़ी अपना तो जो है वहाँ है और यहाँ का जो सनराइज है ना, कहाँ गई नॉर्मली मैं आ भी रहा है, मतलब यहाँ कितना 5 बजे ही सुबह हो जाता है इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ लगता है 1 घंटा जल्दी चलता है। हाँ, 1 घंटा 5 बजे। तो फिलहाल चलते हैं, अभी बैठते हैं अंदर एंड मिलते हैं जर्नी में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं डाउकी, जो कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। तो देख लीजिए ना ब्लॉग में, मैंने ब्लॉग में। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पर रुके हैं बीच रास्ता में डाउकी जाने से पहले, और यहाँ पर देखो चारकोल जल रहा है, सब कुछ सेक रहा है बैठ के थोड़ा थोड़ा, खड़ा खड़ा सेक रही है ना। एंड अभी हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कहीं नहीं, चाय पियेंगे पहले, चाय पियेंगे उसके बाद चाय खाने। लाल चाय नहीं है, दूध वाला, दूध वाला। और फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे डाउकी, तो बने रहो जर्नी में। ए गाइस, आगे रास्ते में कुछ खाने पीने का अगर मिले ना मिले, अपना जुगाड़ भर लिया, चलते इसको गाड़ी में भरेंगे। उसके बाद नजर मत लगा, नजर मत लगा, ऑटो गाड़ी लेके हम लोग को वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला है, चलते हैं अंदर नाश्ता करते हैं, फिर करते हैं अपना जर्नी को और कंप्लीट, जो कि अभी आधा जर्नी में है। लेट्स गो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं डाउकी एंड अब हम लोग चलते हैं नीचे एंड नीचे टिकट कटा के चलेंगे बोर्ड पे एंड करेंगे पूरी सैर। तो ब्लॉग के मजे लो, सो लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम लोग हैं डाउकी रिवर में, जो कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, इंडिया का ही है। एंड कैमरामैन चेंज हो गया, अच्छा बात है। तो चलिए फिलहाल अब हम आपको बताते हैं इसका आगे का बात। यहाँ का जो पानी है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है और पूरा क्लीन दिखता भी है अगल बगल का। एंड अभी हम लोग जो कि है जाएंगे बांग्लादेश का बॉर्डर के नज़दीक, जो कि इधर से पानी के अंदर से ही कॉन्टैक्ट हो जाएगा अपना। तो बने रहो ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको पूरा एंड पीछे। दादी लोग का भी बोट आ रहा है, तो वो लोग अपना मतलब 2% के हिसाब से यहाँ पे एंड आपको अच्छा खासा अंदर व्यू भी दिखने में।
एंड गाइज अभी पता चला कि वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे उस साइड वो है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश का फ्लैग भी है। तो अभी अपना नाव जो है इधर से टर्न करके जाएगा आगे से, टर्न लेके हम लोग उस साइड आएंगे एंड उस साइड से वहाँ जाके फोटो क्लिक करेंगे एंड बने रहो ब्लॉग में एंड लेते रहो व्यू का मज़ा। सो लेट्स गो। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग लिए हैं हाफ रिवर बोटिंग का बाद थोड़ा सा ब्रेक, जहाँ पे हमको यहाँ पे अनानास हाँ तो पाइन एप्पल। फिलहाल चलते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं इसका एंड खाते हैं, उसके बाद फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वहाँ जो है ना अपना राफ्टिंग हो रहा है या हो नहीं रहा, मतलब वैसे कुछ व्यू है, हम नज़दीक से लेते हैं, तो बने ब्लॉग में। लकड़ी का महक आ रहा है, लकड़ी से बना है, लकड़ी के चूल्हा पर देखिए। यहाँ का चाय के ही मतलब ही है कि जो कि बढ़िया लगेगा। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ दूर में कहाँ से बॉर्डर स्टार्ट एंड कहाँ तक खत्म तो नहीं, स्टार्ट भी नहीं एंडिंग भी नहीं है इसका। यहाँ से लेके इधर आगे तक जो है अपना पूरा रोड भरा पड़ा है, गाड़ी भी आ जाओ कर रहा है। यहाँ पे एंट्री गेट पे जो है अपना देखो पुलिस कैंप भी है, लोग तो हैं कहीं गए होंगे लगता है, कोई बात नहीं। और इधर बॉर्डर काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए गाय भैंस बकरी भेड़ आदमी, हाँ आदमी दूर में दिखेगा नहीं।